दोस्तों अभी मैं SH-88 पे हूँ और आप ये देख रहे हैं, ये चालू भी है पूर्ण रूप से। 32 नंबर खुमटी पे क्या जाम लगती थी दलसिंहसराय में, इससे आप लोग अवगत हैं जो भी इस आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं और जिनको 32 नंबर गुजरना होता था, 32 नंबर क्रॉस करना होता था। तो अभी जो स्थिति है यहाँ पे मैं आया हूँ, अभी रात्रि के लगभग 1 बज रहे हैं और अभी भी देख रहे हैं कि गाड़ी का आना जाना कितना है, कितने लोग इधर से गुजर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने लोग अगर 32 नंबर होके नहीं जाते हैं, इधर से जाते हैं, तो जाम उधर कम लगेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल थी जो दलसिंहसराय में फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है, लगातार यहाँ से गाड़ी का आने जाने का काम जारी है। क्या लग रहा है अपनी इसमें आपको कि SH-88 के होने से यहाँ के आसपास के लोगों को सुविधा हुई है? जी जरूर सुविधा हुई है। जैसे क्या था कि हम लोग देख रहे थे कि बड़ी गाड़ी का आगमन 32 नंबर खुमटी के इधर से होती थी जी। और वहाँ पे जो है लंबा जाम के वजह से लोग बहुत प्रभावित होते थे और परेशान होते थे। हम लोग का घुमटी का तो आपको मालूम ही है 32 नंबर घुमटी का क्या सिचुएशन है। और यहाँ जो है सबसे मेन बात ये है कि जो जिसमें हम लोग नज़दीक से हैं, मतलब घुमटी के नज़दीक से हम लोग आते हैं, नज़दीक हम लोग का घर है, तो हम लोग को बराबर दलसिंहसराय आना जाना रहता था जी, 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 और हम लोग बड़ा गाड़ी और छोटा गाड़ी सब उसमें जाता आता रहता था। अगर जैसे हमको NH का काम था तो वही हम लोग के पास ऑप्शन था, वही रास्ता था, दूसरा रास्ता तो था नहीं। हम लोग उस जाम में बहुत परेशान होते थे। अभी क्या है कि हम डायरेक्ट गाँव से निकलते हैं और ये बाईपास से NH पे चले जाते हैं, इससे जाम का छुटकारा है और दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो रेलवे के पछियारी साइड के लोग थे, उनको हॉस्पिटल के लिए आना हो या स्कूल के लिए आना हो तो उनको इधर ही आना पड़ता था, क्योंकि सरकारी अस्पताल भी आपका पूरब है, तो उधर के साइड के लोगों को इधर आना ही होता था। लेकिन 32 नंबर घूमती एक बहुत बड़ी समस्या थी। हालांकि अब ये फ्लाईओवर बनने के बाद अब परेशानी बहुत कम हुई है, क्योंकि अब फ्लाईओवर होके आप आराम से यहाँ से आप गुजर सकते हैं, सुविधा पूर्वक आप यहाँ से गुजर सकते हैं और परेशानी आपको जाम से जो होती थी वो नहीं होती। जैसे समस्तीपुर बेगूसराय ये सब जाने के लिए घूमती में 1 घंटा लगता था, 1 घंटा जाम में फंस के उसके बाद फिर जाना पड़ता था, कोई गाड़ी में स्क्रेच मार दिया, कुछ मार दिया, अभी सब झंझट खत्म है। बिल्कुल, आप आराम से निकलिए, सीधे देख रहे हैं लंबा है, कहीं कोई जाम नहीं है, मस्त है, नीट एंड क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं, सीधे बेगूसराय समस्तीपुर 10 से 20 मिनट में दलसिंहसराय छोड़ दिया। और मैं मानता हूँ कि 50% लोग अब इधर से गुजरने लगे हैं, जो लोकल के हैं, आसपास के हैं, उनको तो उधर से आना होगा, लेकिन 50% लोग अब इधर से आते जाते हैं। बड़ी गाड़ी 32 नंबर घूमती पे मुझे लगता है कि अब नहीं जाती होगी, क्योंकि जाम से वहाँ पे जूझना होता ही था, लेकिन यहाँ पे जाम की कोई बात नहीं है, अब सब लोग इधर से ही जाते आते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जाम से भी राहत मिली।